स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम अलर्ट फॉर कंपटीशन पर। तो आज की सुबह तो सुबह सुबह की एक न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने अपडेट लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ एडमिट कार्ड 2020 जारी हो चुके हैं, जिसके अंदर BA, BCom या BSc, MA, MCom रेगुलर और प्राइवेट एनुअल एग्ज़ाम 2020 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि आज आ चुकी है। इट मींस आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, जहां से आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे उस पर लिंक करके टच करना और सीधे आप उसकी साइट पर पहुँच जाएंगे। फिर भी मैं आपको सीधे सीधे इस प्रोसीजर पर लेकर चलता हूँ कि आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड कैसे करने हैं। तो सीधे बिना वक्त गंवाए चलते हैं अपने प्रोसीजर की ओर। सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। और जैसे आप क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे, आप उसमें टाइप करेंगे ccsuweb.in और सीधे इस पर टच कर देंगे दोस्तों, तो ये आपको सीधे लेकर चला जाएगा। कहाँ लेकर चला जाएगा? ये आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर लेकर चला जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ आपका यूनिवर्सिटी होम पेज, एडमिशन पोर्टल, एग्जामिनेशन पोर्टल आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली आपको इस वाले एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक करना है। देखिए कैसे क्लिक करेंगे हम, सीधा यहाँ पर एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको सीधे सीधे exam.ccsuweb.in के पोर्टल पर ले जाएगा। अभी थोड़ा नेट स्लो है, देख लेते हैं दोस्तों। ये सीधा सीधा देखिए, ये आपको ले जा चुका है कहाँ, जहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं अपने एडमिट कार्ड। अब कुछ नहीं करना, इधर लेफ्ट हैंड पर आपके तीन जो लाइन खींची हुई है, इन पर सीधे सीधे क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ये देखिए आ रहा है आपको लिखा हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको ये टच करना है और नीचे सीधे इस वाली लिंक को टच कर देना है। कैसे? ये एडमिट कार्ड 2019-20, क्योंकि आपका सत्र जो है वो 19-20 के एग्ज़ाम होने वाले हैं एनुअली, तो 2019-20 पर आपको टच करना है। जैसे आप यहाँ टच करेंगे, ये आपको ले जाएगा सीधे सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड वाली लिंक पर। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल आपको अपना जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके अपने अपने महाविद्यालयों में, अपने अपने कॉलेज में सबमिट किए थे, उस पर एक फॉर्म नंबर होगा, वो आपने सबने लिख करके लिख लिया होगा। तो आपको सिर्फ इस वाले बॉक्स के अंदर तो आपको अपना फॉर्म नंबर डालना है और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कैप्चा कोड आपको दिया हुआ है आप उसको यहाँ फिल करेंगे और सीधे इस वाले सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्म नंबर डालो, कैप्चा कोड एक दो बार, कैप्चा कोड आपका शायद हो सकता है कि आपको दो से तीन बार डालना हो, वो साइट बिजी होने के चांसेस होते हैं। जैसे आप सर्च पर बटन पर क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं और उसको एग्जामिनेशन पर ले जा सकते हैं। फिर भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाल दूंगा। आपको सिर्फ टच करना है, सीधे आपको इस पेज पर वो ले जाएगा और आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, एडमिट कार्ड निकाल लेना है। तो यही आज की अपडेट थी। आप मेरे आप शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और 22 तारीख से होने वाले एनुअल एग्ज़ाम में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है छात्रों, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, अच्छा कीजिए, मेहनत से पढ़िए। और दोस्तों अभी अभी इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नियम में चेंजेस हुए हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम देते वक्त किन किन सावधानियों को रखना है, किन किन सावधानी पूर्वक अपना काम करना है, अपना पेपर देना है, तो इससे बाद में एक वीडियो और आएगी दोस्तों, उसको भी आप देखें।
और अगर ये वाली वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आगे फॉरवर्ड करें। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएँ। तो आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू एवरीवन दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।